हेलो एवरीवन, आज की रेसिपी है बेसन ब्रेड टोस्ट। ये एक ब्रेकफास्ट और स्नैक रेसिपी है, तो इसे बनाने के लिए क्या चाहिए वो देख लेते हैं। 3 से 4 ब्रेड स्लाइसेस, बेसन 1 कप, कटे हुए टमाटर 4 बड़े चम्मच, कटे हुए कैप्सिकम 4 बड़े चम्मच, हरी मिर्च कटा हुआ 1 बड़ा चम्मच, धनिया पत्ती कटा हुआ 2 बड़े चम्मच, नींबू का रस 1 बड़ा चम्मच, तेल आवश्यकतानुसार, पानी आवश्यकतानुसार। सबसे पहले ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे, उनके किनारे अलग कर देंगे, आप चाहे तो किनारे रख भी सकते हैं। अब एक ब्रेड स्लाइस लेंगे, इसे इस तरह से बीच से लंबा काट लेंगे, आप चाहे तो अपने हिसाब से भी काट सकते हैं। ये इस तरह से लंबे पीसेस कर लिए हैं। अब एक अलग बर्तन लेंगे, बेसन लेंगे 1 कप, कैप्सिकम कटा हुआ 4 बड़े चम्मच, टमाटर कटे हुए 4 बड़े चम्मच, हरी मिर्च कटा हुआ 1 बड़ा चम्मच, धनिया पत्ती 2 बड़े चम्मच। अब इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक बैटर बनाएंगे। 1/4 कप पानी डाला है, थोड़ा गाढ़ा बैटर बनाना है इसके उस हिसाब से पानी डालेंगे। बैटर बन गया, बैटर इस तरह से गाढ़ा होना चाहिए। अब इसमें मसाले डालेंगे, नमक 1/2 छोटी चम्मच या स्वादानुसार, हल्दी पाउडर 1/3 छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, जीरा पाउडर 1/3 छोटी चम्मच, चाट मसाला पाउडर 1/4 छोटी चम्मच, नींबू का रस 1 बड़ा चम्मच। अब इन सबको बहुत अच्छी तरह से मिला लेंगे। बैटर तैयार है। अब एक ब्रेड का पीस लेंगे और इसे चारों तरफ से बहुत अच्छी तरह से कोट करेंगे। दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। इस तरह से कोट करना है। अब एक पैन गरम कर लेंगे, तेल डालेंगे 2 बड़े चम्मच, तेल अच्छे से गरम होने देंगे। अब इसमें बेसन से कोट किया हुआ ब्रेड का पीस डालेंगे, फ्लेम लो रखेंगे, लो फ्लेम में पकाना है ताकि अंदर से अच्छी तरह से पक जाए, गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पकाना है। ये एक तरफ से अच्छी तरह से पक चुका है, अब इसे पलट लेंगे, थोड़ा सा इस तरह से प्रेस कर देंगे और दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से पका लेंगे। फिर से एक बार पलट लेंगे। अब इस तरह से रखकर साइड से भी थोड़ा पका लेंगे। ये साइड से भी अच्छी तरह से पक चुका है, अब इन्हें निकाल लेंगे। तो इस तरह से बेसन ब्रेड टोस्ट तैयार है। आप इसे सॉस या हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। तो ये बेसन ब्रेड टोस्ट आप घर पर बनाकर ज़रूर देखिए। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंग्रेडिएंट्स यहाँ वीडियो में लिखे हुए हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप बाद में यूज़ कर सकते हैं। फिर मिलते हैं, थैंक यू।